नमस्कार, मेरा नाम रेणु शर्मा और मैं जागरूक टीवी के माध्यम से आप लोगों के सामने अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। कुछ रचनाएं हैं जो अपनी भावनाओं के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप समझते हैं, दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, हम लोग कमर्शियल हो रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं कमर्शियल नहीं होती हैं। ऐसी ही कुछ छोटी 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 टॉपिक है मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। मैं सबसे पहला एक बंध पेश करना चाहूंगी प्रेम के लिए। प्रेम क्या होता है और प्रेम क्या चाहता है, मेरी रचना है, उसका पहला बंध मैं आपके सामने पेश करती हूँ। प्रेम संवाद नहीं संवेदन चाहता है, कि प्रेम संवाद नहीं संवेदन चाहता है, कि प्रेम संघर्ष नहीं सम्मोहन चाहता है। प्रेम की दुनिया निराली जग से, प्रेम की दुनिया निराली जग से, कि प्रेम आदेश नहीं आवेदन चाहता है। आप प्रेम को आदेश की तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कि प्रेम आदेश नहीं आवेदन चाहता है, प्रेम संघर्ष नहीं सम्मोहन चाहता है। इसी रचना का दूसरा बंध है, वो मेरी भावनाएं उन युवतियों के लिए है जिन्होंने भले अपना पहनावा चेंज कर दिया है, जो सिर पे पल्लू नहीं लेती है, भले वो जींस पहनती है, उनकी भी भावना वही होती है जो पल्लू लेने वाली महिलाओं की होती है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, अपनी आंखों में बसी प्रीत छुपाऊं कैसे, क्योंकि युवतियां भले ही अपना परिवेश बदल लेती हैं, लेकिन उनके अंदर जो फीलिंग होती है, जो भावनाएं होती हैं, वो तो प्राकृतिक होती है। तो अपनी आंखों में बसी प्रीत छुपाऊं कैसे, लाज से भीगी हुई पलके उठाऊं कैसे, कब से हम छोड़ चुके ओढ़नी चुनर सर पर, कब से हम छोड़ चुके ओढ़नी चुनर सर पर, हाय घूंघट के बिना आज मैं घर जाऊं कैसे, कि हाय घूंघट के बिना आज मैं घर जाऊं कैसे। हम जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे हमारे विचार होते हैं और हम बहुत सारे सपने देखते हैं कि हम अपने जीवन में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम युवावस्था में जाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, तो कैसी हमारी जिंदगी होती है और कैसे बीतती है, कि बात पे बात कही बातों में दिन बीत गए, बात पे बात कही बातों में दिन बीत गए, छोटी मोटी मुलाकातों में दिन बीत गए, छोटी मोटी मुलाकातों में दिन बीत गए, हमने सोचा था गुजर जाएंगे हम कुछ करके, हमने सोचा था गुजर जाएंगे हम कुछ करके, ख्वाब हीरे ओ ज़वाहरातों में दिन बीत गए, ख्वाब हीरे ओ ज़वाहरातों में दिन बीत गए, बात पे बात कही बातों में दिन बीत गए। मैं अपनी संरचना का आखिरी बंद सुनाऊंगी और उसमें मैं
अपने माता पिता की बेटियों के लिए फीलिंग है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बेटियां हो ये दुआएं तो सभी करते हैं, बेटियां हो ये दुआएं तो सभी करते हैं, अपनी लाड़ों पे सभी जान भी छिड़कते हैं। लेकिन समाज की बड़ी विडंबना है वो मेरी पंक्तियों में है कि रोजे चल और लुट रही है कोई बेटी, रोज चल और लुट रही है कोई बेटी, इसलिए बेटियां होने से सभी डरते हैं, इसलिए बेटियां होने से सभी डरते हैं, वरना तो बेटियों को सभी जान छिड़कते हैं। धन्यवाद। जागरूक टीवी आपके लिए एक नए तरीके रूप में प्रस्तुत हुआ है, जहाँ खबरों के साथ में हम आपको इस तरह की नई नई रचनाएं, नई नई चीजें भी आपके सामने पेश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को सराहेंगे, पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट आप तक जरूर भेजिएगा कि हमारी प्रस्तुति, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, जिससे हम आगे आपके लिए और भी मेहनत करें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करें। धन्यवाद।